चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व में एकत्व स्थापित होते ही ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है कि मैं त्रिकाल जागृत चैतन्य परमात्मा हूँ। देह की किसी भी क्रिया के काल में लक्षण से सहज भेद विज्ञान होता है। ज्ञान के निरंतर होने वाले परिणमन में परिणमन की पर जोर नहीं और परिणमन में व्याप्त ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही ज्ञानी की दृष्टि का विषय है। ज्ञान का परिणमन निरंतर होता है, फिर भी परिणमित तो होने वाले ज्ञान की और भी जहां दृष्टि नहीं, और ऐसी जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता पर दृष्टि, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। कल शंका समाधान के इस सेशन के दौरान शशि की यह शंका थी ज्ञान के परिणमन के संबंध में, कि दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले जो पदार्थ है, उन पदार्थ और दर्पण के बीच में किस प्रकार का संबंध है, उसको विस्तार से कल बताया था। क्योंकि उनकी शंका यह थी कि यह शरीर और रागादि विकारी भाव भिन्न जानने में आते हैं, परंतु भिन्न कहाँ जानने में आते हैं वह जानने में नहीं आता है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सत्संग को सुनना होगा, ज्ञान से ज्ञायक तक उस पर विवेचन करते हुए। ज्ञेय का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है, ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। अनंत ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए, अनंत शरीर के परमाणु ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए, अनंत प्रकार के विकारी भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए। यदि वे ज्ञेय ज्ञान में मिल गए होते तो ज्ञान स्वयं ही जड़ हो गया होता, क्योंकि अनंत देह के परमाणु और अनंत विकल ये समस्त ज्ञेय जड़ है। देहादि संयोग तो जड़ है ही, देहादि संयोग के लक्ष्य से होने वाले विकारी भाव भी जड़ है, वे जड़ भाव ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। फिर भी चैतन्य की जो स्वच्छता है वो त्रिकाल स्वच्छ ही रहता है। यही कारण है कि किसी भी समय शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो सकती है। इसलिए प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की अनुभूति का अधिकार है। यहां पर जो जन्मा है अज्ञानी होकर के, अज्ञानी ही मरने के लिए नहीं जन्मा, अज्ञान रूप में ही देह को छोड़ने के लिए नहीं जन्मा,
जिस समय जन्म हुआ था उस समय यह माना था कि मैं जन्मा। मनुष्य जीवन तब सार्थक होता है जब देह यहां से छूटे और उस समय देह के परमाणुओं को तुम बादलों के चलते हुए बादलों की यात्रा की भांति इस शरीर के परमाणुओं को तुम देख सको। देह के त्याग के समय तुम ये देख सको कि देह को ग्रहण नहीं करने वाला वह देह का त्याग कैसे कर सकता है, क्योंकि देह को ग्रहण नहीं करने वाला यह कौन? ज्ञान की जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है कि जिस शुद्ध चैतन्य सत्ता में अवकाश ही नहीं है, जहां असंख्य प्रदेश पर चैतन्य पना व्याप्त है, ऐसे ज्ञान में देह के परमाणु कैसे प्रविष्ट हो सकते हैं? और जिस समय यह दशा प्रकट होती है उस समय तुम अमृत को उपलब्ध होते हो। आत्मा की अनुभूति होते ही ज्ञेय और ज्ञान की स्वतंत्रता की यथार्थ श्रद्धा होती है। त्रिकाल ज्ञान, ज्ञान से न्याय तक पहुंचने की कला, आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा जिसकी पहचान ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान को प्रधानता देकर ज्ञान से न्याय तक पहुंचने की कला समझाई। प्रत्येक सत्संग में हम ज्ञान पर जोर देते हैं। आपका जो ये तत्व विचार और प्रयोग प्रारंभ हुआ है, मैं भावना बाता हूं यथार्थ रूप से तत्व विचार हो। मुझे देह का त्याग करना है, मुझे विकार का त्याग करना है, तत्व विचार ये न हो। तत्व विचार के काल में यही कि चैतन्य सत्ता ज्ञान में जो भी पदार्थ जानने में आए, क्योंकि अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती। देह के साथ हूं ऐसे चिंतन करने से देहातीत दशा प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए यह अनुभूति जब त्रिकाली ध्रुव परमात्म तत्व की अनुभूति होती है, ऐसे ज्ञान की डोरी, उस ज्ञान की डोरी की स्पर्शना, जिस समय वो अखंड ऐसी ज्ञान की डोरी की स्पर्शना होती है, उस समय जहां स्पर्शना हुई, जिस स्थान पर स्पर्शना हुई है, उस स्थान पर भले ही देह रूपी वस्त्र है, फिर भी जो अनुभूति है वो स्वरूप की अनुभूति है। उस अनुभूति का स्वरूप यदि मैं संक्षिप्त में कहूं, जैसे एक बिजली का लाइव वायर है और बिजली के लाइव वायर पर कपड़े लटक रहे हैं, वो लाइव वायर ऐसा बंधा है, पहले यहां बहुत कपड़े बंधे हुए लटके हुए हैं, वहां यहां से थोड़े आगे भी देखो तो थोड़े आगे तक कपड़े लटके हुए हैं। उस लाइव वायर पर जो कपड़े लटके हैं, उस लाइव वायर पर आपने यहां से हाथ लगाकर उस वायर को छुआ है, तो जिस समय आप उस वायर को छूते हैं, वो छूते ही दो प्रकार के विकल्प नहीं होते। एक कि ये जो कपड़े लटके हैं, ये लटके हुए कपड़े आपको करंट का झटका लगने से बचा नहीं पाते, उस समय ये विकल्प ही नहीं होता कि कपड़े लटक रहे हैं। और जिस समय करंट का अनुभव होता है, वो झटका लगता है, उस समय यहां का झटका वहां का झटका ऐसा भी विकल्प नहीं, मुझे झटका लगा। वो जो विद्युत प्रवाह फैला हुआ है उसमें जो तन्मयता ऐसी कि मुझे झटका लगा, तो ऐसे ही वो जो ज्ञान की अखंड डोरी है, वो अखंड डोरी के साथ में कपड़े
कपड़े लटके हुए हैं। वे कपड़े भूतकाल में अनंत कपड़े, ये ज्ञान की डोरी के साथ में अनंत शरीर के कपड़े लटके हुए हैं। ये डोरी के साथ लटके हुए अनंत कपड़े, और यदि भविष्य में मैं देखता हूं तो कुछ और कपड़े लटके हुए हैं जो भविष्य में कुछ और भाव बाकी है। भूतकाल के अनंत कपड़े और भविष्य के कुछ कपड़े ये डोरी पर लटके हुए हैं, मगर जिस समय ज्ञान की स्पर्शना होती है, स्वरूप की स्पर्शना होती है, उस समय यह विकल्प ही नहीं होता, इतना भी विकल्प नहीं होता। जिस समय तुम्हें वो जो झटका लगता है, करंट का अनुभव होता है, कि यह अनुभव कपड़े का नहीं है, यह विकल्प नहीं होता, यह अनुभव है वो कपड़े का नहीं है, यह जो अनुभव हो रहा है वो वहां के वायर का ऐसा विकल्प नहीं, सिर्फ वो जो स्पर्शना और वो जो झटके का अनुभव, ऐसे ही स्वरूप की जो स्पर्शना है, स्वरूप की स्पर्शना होने पर निर्विकल्प की अनुभूति के काल में देह मैं हूं ये तो विकल्प नहीं, मैं देह नहीं हूं यह भी विकल्प नहीं। और जिस समय ये अनादि अनंत ध्रुव, ये चैतन्य डोरी की अनुभूति होती है, उस समय देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होती है। देह होने पर देहातीत दशा प्रकट होती है, यह सत्य है, मगर ज्ञानी वहां कहीं पर भी नहीं। जिस समय यह ज्ञान की स्पर्शना होती है, बस उस दशा को मैं कहता हूं गैर हाजिर हो जाना, तुम यहां नहीं हो, तुम अनुपस्थित हो, अब तुम्हारा नाम यहां नहीं रह सकता, तुम कक्षा में अनुपस्थित रहते हो, अब तुम कक्षा में नहीं रह सकते, और बार बार गैर हाजिर होने लगे कि फिर तुम कक्षा में हमेशा के लिए जा ही न सकोगे, रह ही नहीं सकोगे, गैर हाजिर रहते हो। जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर वो ज्ञानी गैर हाजिर होने लगता है, कहां से? देह से। देह से गैर हाजिर होता है, वो देह में नहीं रहता, और एक दिन ऐसा आता है कि वो देह में रह ही नहीं सकता, क्योंकि जो देह में गैर हाजिर रहे वो देह में फिर कैसे रह सकता है। इसलिए तो फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है, देह से न्यारी देहाती, शरीर से न्यारी अशरीरी, ऐसी सिद्धावस्था प्रकट होती है, असली स्वरूप व्यक्त होता है, तेल में जो तिल की शक्ति थी वो पूरी तरह से व्यक्त होती है। उसका यही कारण कि जो विराट ऐसा, जो गौरी शंकर ऐसा, जो विराट ऐसा, जो चैतन्य शिखर, उस शिखर के दर्शन हुए, उस शिखर से पर्दा हट गया। सत्य तो यह है कि उस शिखर से पर्दा नहीं हट गया, दृष्टि से पर्दा हट गया। आप पर जो रजकण ऐसा बीच में आ रहा था वो हट गया, मिथ्यात्व का रजकण हट गया, कि परमात्मा का दर्शन हुआ, सिद्ध का दर्शन हुआ, कि वह दशा प्रकट हुई, वह मुक्ति की दशा। इसलिए आपकी जो कल की शंका थी, शंका यह मैंने पढ़ी, मुझे खुशी हुई, मगर यह शंका सिर्फ बुद्धि का व्यायाम ना हो, यह शंका जो है ये शंका ऐसी हो कि तुम्हारे अंतर में वह चैन न पड़े, तुम शांति से सांस न ले सको, इस देह में रहना मुश्किल हो जाए, ये धरती फटती क्यों नहीं, ये पृथ्वी फटती क्यों नहीं, मैं समा क्यों नहीं जाती, ये मेरा जीवन जीवन है, तुम्हें एहसास हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें प्यास का एहसास हो, तुम्हारी प्यास इतनी बड़े कि तुम पानी से वंचित न रहो। और एक बात खास याद रखना, पानी के लिए तुम्हें दूर जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही है, सिर्फ प्यास नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं पानी का मूल्य उतना नहीं है, प्यास का मूल्य है। आपको ऐसी प्यास जगे और चैतन्य रस का ऐसा अमृत का पान हो।
कि अनादि काल की वह जो दुख और आकुलता, वह आकुलता से छुटकारा। दूसरी शंका, आपका माइक्रोफोन ऑफ है, अभी उसको ऑन करना पड़ेगा, अनम्यूट करना होगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सभी साधकों को हमारे प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि पल पल की जागृति रखने के लिए चंचल मन को स्थिर कैसे करें, ये समझाने की कृपया करें। धन्यवाद। चैतन्य तत्व की प्रति समय जागृति, इस जागृति का नाम धर्म है। प्रत्येक सत्संग के शुभारंभ में हम इसी बात पर जोर देकर के कहते हैं कि जागृति धर्म है, बेहोशी अधर्म है। जागने के लिए, जैसा कि आपने पूछा कि मन बहुत चंचल है, सीधी सी बात है कि मन का जो स्वभाव है वही चंचलता है। मन का जो स्वभाव है वह विकल्प रूप है, और यही कारण है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में मन निमित्त भी नहीं बनता। पांच इंद्रिय तो निमित्त नहीं बनती, मन भी निमित्त नहीं बनता, और तभी वह निर्विकल्प अनुभूति संभव होती है। निर्विकल्प अनुभूति के बिना वह चंचल मन शांत नहीं हो सकता। चाहे कितना भी प्रयास करो, इसलिए लोगों को देखते हो, कुछ लोग दुकान में बैठे हैं और चंचल मन है, और कुछ लोग मंदिर में बैठे हैं और चंचल मन है। इसलिए चंचल मन, मन चंचल न रहे उसके लिए क्या करें? ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न ही बिल्कुल झूठा है। मन चंचल न रहे उसके लिए क्या करें? मिर्ची है, वो मिर्ची तीखी न रहे उसके लिए क्या करे? गुड़ है, वो मीठा न रहे उसके लिए क्या करे? ऐसा ही ये प्रश्न है कि मन चंचल न रहे तो
उसके लिए क्या करें। मन का स्वभाव ही चंचलता है, इसलिए मन की चंचलता को दूर नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि मन से पार हुआ जा सकता है, मन से मुक्त हुआ जा सकता है, और मन से मुक्त होने का यही उपाय है कि मन भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये चंचलता भी मेरा स्वरूप नहीं है। समुद्र की तरंगों में जैसे उछल कूद होती है, तरंगे उछलती है और वे उछलती तरंग जिस दर्पण में प्रतिबिंबित होती है उस दर्पण में कोई उछलना नहीं होता। ऐसा वह स्वच्छ दर्पण जो स्थित है, दर्पण में वे तरंगे उछलती दिखाई दे मगर उस समय जो स्वयं को दर्पण का मालिक मानता है उसकी श्रद्धा में यह है कि दर्पण ऊंचा नीचा नहीं हो रहा है, दर्पण इतना स्थिर है कि तरंगे उसमें प्रतिबिंबित हो रही है। ऐसे ही ज्ञानी को जागृति रहती है और अज्ञानी को तत्व विचार। ज्ञानी को यह जागृति रहती है कि ये जो विकल्प की तरंगे हैं वे ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है मगर जिसमें वह प्रतिबिंबित होती है वह ज्ञान सदाकाल स्थिर है। उस स्थिरता का विचार कि मेरी सत्ता इस स्थिरता के अलावा कहीं है ही नहीं। फिकर न करें मन चंचल क्यों है, मेरे महल के आंगन में कांटे क्यों उगे हैं, तुम्हें क्या लेना देना कि महल के आंगन में कांटे क्यों उगे हैं। और जो व्यक्ति अपने महल में रह करके आनंद का भोग करता हो वो बाहर कांटे का विचार नहीं करता। कांटे का विचार तो वे करते हैं जो अंतर में रहकर के आनंद को भोगते नहीं। कभी तुम्हें ये विचार आया, जैसे तुम डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, भोजन करते हो, जैसे ही तुमने रसगुल्ला लिया और रसगुल्ले को चखा, जिस समय तुम रसगुल्ले से इतने तन्मय होकर के रसगुल्ले को खाते हो उस समय काटा न सही तुम्हारे घर के आंगन में कचरा पड़ा है, बहुत धूल है, जिस समय वो रसगुल्ले का रस चखते हो उस समय तुम्हें वो धूल का विकल्प ही नहीं आता। क्या लेना देना मेरा उस धूल से। मैं तुमसे ये कहता हूं कि तत्व का विचार ऐसा हो कि मैं चैतन्य मात्र, कि जितनी भी मन की चंचलता है वो मेरे में है ही नहीं। चंचल मन की ओर दृष्टि करने से मन में चंचलता रहती है, जिसमें चंचलता है ही नहीं ऐसी जो शुद्धता, उस शुद्धता की ओर दृष्टि करने से चंचलता रहती ही नहीं है। अनादि अनंत ऐसी जो चैतन्य की शुद्धता, इसमें चंचलता है ही नहीं। जो अनुभव का विषय, जो दृष्टि का विषय, जिसमें एकत्व होता है, ऐसा ये ज्ञान में ठीक है जाना कि मन चंचल है मगर अंतर में भीतर में तत्व विचार के काल में जोर उन पर नहीं। वरना भूतकाल का इतिहास तो बहुत बुरा इतिहास है, अनंत अनंत विकल्प हुए हैं, अनंत परावर्तन हुए हैं, ये उपाय नहीं है। इसलिए यदि आत्मसाधना सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना है, इसे रसगुल्ले को ही चखना है, उन्हें विकल्प ही नहीं होंगे कि ये विकल्प के कांटे क्यों हैं। ये जानते हो कि बहुत मन में चंचलता है, यहां वहां मन दौड़ता है, किन किन के विकल्प होते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि रुचि है, रुचि उनकी है, इसलिए अंतर में मलिन वृत्तियां है, इसलिए अंतर में मलिन वृत्तियों का कचरा इस भव का नहीं, भव भव का कचरा है। मगर फिर भी निराश मत होना वो भव भव के कचरे से भी, क्योंकि जिन्होंने पाया उन्होंने एक समय में वो भव भव के कचरे को मिटाया है। सिर्फ जोर कि मैं चैतन्य, अशुद्धता है ही नहीं, मलिनता है ही नहीं, वो सपना हो जाएगा, तुम्हें एहसास होगा, तुम जैसे जग गए
अरे कुछ भी तो नहीं। एक व्यक्ति को जैसे रात को सपना आया और सपने में देख रहा है नरक में गया मर करके इतना काटा जा रहा है, एक नारकी दूसरे नारकी को पीड़ा पहुंचाते हैं, खंड खंड ऐसे टुकड़े होते हैं शरीर के तिल तिल जितने, और ये सब सपने में चल रहा है। और जैसे ही वो व्यक्ति जागा कि जागा कि उसकी कैसी हालत होगी, वो कितना आनंदित होगा, अरे ये तो सपना था, मैं कहां भ्रम में था। जब आत्मा की अनुभूति होती है तब भूतकाल में जितने भी ये मन की चंचलता के विकल्प, जो वे विकल्प जब तुम जागते हो तब एहसास होता है कि वो सब सपना था, सत्य नहीं, क्योंकि सत्य की अनुभूति हुई कि वहां तो शुद्धता ही शुद्धता है, अशुद्धता है ही नहीं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि चंचल मन को शांत करो, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप जागो, और जागे कि फिर वो चंचलता रह ही नहीं सकती। नागार्जुन के पास में एक चोर गया था, बोध लिया, परिवर्तन आया, चोरी करना उसने बंद कर दिया, और जब पता चला नागार्जुन को कि शिष्य ने चोरी करना बंद कर दिया है, उसने पहले ही नागार्जुन के पास जाकर के क्या कहा, यह मेरा बहुत बड़ा भ्रम था। कौन सा भ्रम? मैं ये मानता था कि जब दुनिया सोती है तब मैं चोरी करता हूं, मगर आज मुझे यह समझ में आया कि दुनिया के सोने के कारण मैं चोरी नहीं करता था, मेरे स्वयं के सोने के कारण मैं चोरी करता था। आज मैं जाग गया, दुनिया तो आज भी सोएगी मगर चोरी नहीं होगी, सिर्फ मैं जाग गया। मैं भी आपसे यही कहता हूं, सिर्फ जागो, और जागने के लिए जागृति के प्रयोग। जागृति के प्रयोग का अर्थ कोई पलाठी लगा करके हाथ पर हाथ रख करके, वो प्रयोग नहीं, तत्व विचार। और वो तत्व विचार में भी तुम्हें वो नींद से अब खूब आने लगे। कब जागते हो तुम? जब तुम्हें लगे कि बहुत सो लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है जागने के लिए कि बहुत सो लिया। जब तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत विकल्प हुए, बहुत चंचलता हुई, बहुत कष्ट भोगे मैंने, अब नहीं। जब दुख से भर जाओ तब ये दशा होगी। जागृति के लिए तत्क्षण जागृति, और वो अंदर भीतर की स्पर्शना से तत्क्षण जागृति होगी। तत्क्षण जागृति का अर्थ समझते हो? जैसे आप जहां पर बैठे हो, पता नहीं उस कुर्सी के पास, वहां पर ही जहां आपके पैर हैं, एक खतरनाक जहरीला सर्प है, फैन लगा करके वहां आपके बिल्कुल पैर के पास में है। आप मेरी बात को सुनते हैं क्या? आप ऐसे ही सुनते रहेंगे जैसे अभी सुनते हैं कि उठ करके थोड़े दूर जाएंगे, और कितनी देर के बाद? एक घंटे के बाद, दो चार मिनट के बाद? तत्क्षण। मैं ये कहता हूं जागृति के लिए ऐसा एहसास हो कि बहुत सो लिया, अब बेहोशी तुम्हें सर्प के जैसी लगे। विषैला सर्प वो भी इतना खतरनाक नहीं, क्योंकि एक बार मृत्यु होती है वह भी देह की, मगर बेहोशी से मृत्यु होती है आत्मा की। सत्य तो यह है कि वो प्रति समय मैं जन्मा मैं मरा इस कल्पना से अनंत दुख भोगता। जागृति के लिए यह प्रयोग। धन का ढेर कहीं रखा हो, कैसी जागृति रहती है? अभी यहां बैठे हैं और भूकंप आ जाए, एक घंटे के सत्संग के बाद में घर से बाहर निकलेंगे, ऐसा लगता है? आत्मा की
की अनुभूति से पहले ऐसी दशा आती है कि ये संसार अब सुहाता नहीं है, अभी संसार मीठा लगता है, अभी नींद मीठी लगती है। नींद में जो सपने देख रहे हैं वो सपने अभी अच्छे लग रहे हैं, एक सपने में से दूसरे सपने में जाना अभी मीठा लगता है, और एक सपने में से दूसरे सपने में हम बहुत बार गए, ये उपाय नहीं। एक सपने में से दूसरे सपने में, पहले गृहस्थी के सपने में थे और थोड़े बहुत शास्त्र पढ़ लिए, गुरु के पास रह लिया कि अब दीक्षा ली, अब मुनि होकर वन विहारी हो गए, दोनों सपने हैं। एक गृहस्थी में सपना था, एक वन में रहकर के सपने में है। और मैं ये नहीं कहता कि सपने बदलो, मैं कहता हूं जागो, जैसे ही तुम जागे कि सपने बदलते नहीं, सपने से छुटकारा हो जाता है, सपने ही नहीं रहते। आत्मा की अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को गृहस्थ रूप नहीं मानता, स्वयं को मुनि भी नहीं मानता, स्वयं को त्रिकाल चैतन्य परमात्मा मानता है। ये सपने से छुटकारा हुआ, सपना बदला नहीं, सपना ही न रहा, एक ही उपाय था जागृति। अभी का जो जीवन है वो बेहोशी वाला है, पता ही नहीं। तुम्हें जीवन का लक्ष्य पता है, तुम कहां जा रहे हो? मुझे घटना अभी स्मरण में आई, एक यात्री ट्रेन में यात्रा करता था, टिकट चेक कराया, टिकट मांगी, उसने कहा टिकट नहीं है। टिकट चेकर ने पूछा अब दंड देना होगा, कहां तक जाना है तुम्हें? उस व्यक्ति ने कहा टिकट तो नहीं है मगर कहां जाना है उसका भी मुझे पता नहीं है। उस व्यक्ति पर हमें लगता है ऐसा कोई व्यक्ति जो ट्रेन में बैठ गया उसे कहां जाना है वो भी पता नहीं। हमारी हालत ऐसी है, बैठे हैं ट्रेन में, गाड़ी में बैठे हैं और उतरने भी वाले हैं मगर लक्ष्य का कोई पता नहीं। पर इसे मैं ट्रेन कहता हूं, ये राह की दीवार की ट्रेन, लोहे की ट्रेन देखी बहुत, ये राह की दीवार, ये शरीर के परमाणु को मैं ट्रेन के रूप में देखता हूं, इसमें मुसाफिर, एक मुसाफिर नहीं। जब तुम्हें अनुभूति होगी तब तुम्हें इस ट्रेन में बहुत मुसाफिर दिखेंगे। दुनिया में जो लंबी ऐसी ट्रेन देखते हो ना, उस ट्रेन में तो कितने लोग, 1,000, 2,000, 5,000, मगर जब ये ट्रेन, इस ट्रेन में तुम देख सकोगे अनंत अनंत यात्री यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अनंत निकोदिया जीव इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अभी बेहोशी वाला जीवन है मगर फिर भी ये जागृति के लिए जो शंका जगी है, आज ये शंका जगी है, भावना भाता हूं कल आप भी जगेंगे, क्योंकि व्यक्ति के जगने से पहले शंका जगती है। सत्संग एकमात्र उपाय है, सत्संग से आपकी यात्रा आगे बढ़े ऐसी मैं भावना भाता हूं। तीसरी शंका, पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और समस्त आदरणीय भाई बहनों को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरी जिज्ञासा है गुरु जी कि आपने ध्यान से पूर्ण तत्व विचार में कहा है कि जगत की एक भी पर्याय का अस्वीकार हुआ तो अनंत केली भगवान का अनादर होता है, तो इसमें किस प्रकार से समझें, और वो उदाहरण देख के आप बताइएगा, और एक समय की पर्याय के बारे में भी बताने की कृपा कीजिएगा। ध्यान से
पूर्व तत्व विचार में ये चर्चा की है। इस पर बहुत बार सत्संग भी हो चुके हैं, फिर भी अभी इसका जो रहस्य है वो रहस्य मैं आपको कहूँ। एक समय की पर्याय का यदि अस्वीकार होता है तो अनंत केवली परमात्माओं का अनादर होता है। जैसे दृष्टांत के तौर पर एक कांच का गिलास यहां नीचे गिरा फूटा और उसका स्वीकार नहीं हुआ, तो उस गिलास के फूटने का जो स्वीकार नहीं हुआ उसमें अनंत केवलियों का अनादर हुआ। क्योंकि हमें जब वो गिलास फूटता है तब ऐसा लगता है कि अयोग्य हुआ, और केवली भगवान के ज्ञान में वो जो पर्याय, जिस पर्याय का परिणमन केवली भगवान के ज्ञान में अभी जानने में आ रहा है, वो अयोग्य हुआ ऐसा जानने में नहीं आ रहा है, वो योग्य है। अनंत केवली परमात्मा ज्ञान में जानते हैं कि ये योग्य है। और योग्य का मतलब क्या, जैसे किसी माँ का एक बरस का बच्चा वो मर गया तो केवली भगवान ये जानते हैं योग्य हुआ, थोड़ा झटका लगेगा। ऐसे भगवान होते हैं, एक बरस का बच्चा और वो भी कितनी सालों के बाद में वो पैदा हुआ, अब दोबारा बच्चा होगा नहीं होगा और वो भी मर गया तो कैसा लगता है कि केवली भगवान जानते हैं कि योग्य हुआ। केवली भगवान के ज्ञान में ये जो घटना है वो योग्य जानने में आती है। योग्य का मतलब है उस समय की अपनी, उस समय की पर्याय की योग्यता से वो हुआ है, और उसमें आश्चर्य नहीं होता कि ये अयोग्य। ये प्रकृति की जो व्यवस्था है, ये विश्व की जो व्यवस्था है, विश्व की व्यवस्था में हमारे विकल्प जो, ज्ञानी को ऐसा लगता है कि नहीं, ये ज्ञानी को भी बोलने में ऐसा आएगा। कोई नौकर है, काम करता है, ज्ञानी भी ऐसा बोलेंगे, कल तू टाइम पर क्यों नहीं आया, और आगे कल तू टाइम पर नहीं आएगा तो तुझे निकाल दूंगा। ज्ञानी की ये भाषा, ज्ञानी भी ऐसा बोलेंगे, मगर ज्ञानी की श्रद्धा में ये योग्य हो रहा है। योग्य के वो कल देरी से आया, आज भी देरी से आया, ज्ञानी तो मानते हैं कि जो होता है वो योग्य होता है, तो फिर ये क्यों बोलते हैं। ज्ञानी इसलिए ये बोलते हैं कि वो जो घटना है वो तो योग्य है, मगर ये घटना की श्रद्धा होने पर भी चारित्र मोह के उदय के निमित्त से वर्तमान में ये विकल्प होते हैं कि कल तो देरी से क्यों नहीं आई, ये बोलने का विकल्प। श्रद्धा में वो दोष नहीं है, वो चारित्र में ये बोलने का विकल्प आया, और जैसे वो देरी से आया वो अयोग्य हुआ ऐसा नहीं मानते, ऐसे ही ये कहने का जो विकल्प आया कि तू समय पर क्यों नहीं आया, ये विकल्प को भी वे मानते हैं कि यथा योग्य है। इस समय की पर्याय की योग्यता अनुसार ये विकल्प आया, माने कोई भी घटना ऐसी ना लगे कि अरे ये कहां से कहां हो गया, ये क्या से क्या हो गया। एक घटना मैंने सुनी थी, मुझे स्मरण में आई, यमराज एक सम्राट के महल में आए थे, गरुड़ पर यात्रा करके सम्राट को लेने आए थे। अब जब वे महल तक पहुंचे, गरुड़ जो था उस गरुड़ को वहां पर बाहर ही, महल के बाहर छोड़ा है, और यमराज महल के भीतर गए हैं। जब गरुड़ बाहर था तो गरुड़ ने एक चिड़िया को देखा, जो चिड़िया अभी मरेगी ऐसा लग रहा था। गरुड़ को ऐसा लगा कि कोई प्राणी
यहां आकर के उसे खा जाए, उससे बेहतर यह है, क्योंकि वहां पर कौवे बहुत थे, कि उस चिड़िया को खा जाए। ऐसा लग रहा था चोंच मार मार करके उसे खत्म कर दे, ऐसे कौवे थे। तो गरुड़ ने उस चिड़िया को उठाया और दूर जाकर के जंगल में छोड़ दिया। जब गरुड़ छोड़ करके वापिस आया, यमराज भीतर से महल में से बाहर आए। यमराज ने गरुड़ को पूछा कि यहां पहले जो चिड़िया थी वो कहां गई। गरुड़ ने कहा वो मर जाती, मैं उसे बचाकर उसे जंगल में इतने दूर तक छोड़ आया हूं कि उसकी मौत न हो। और यमराज ने क्या कहा कि वो चिड़िया जो है उसकी मौत होने वाली थी, वो दूर जो जंगल में छोड़ के आए वहां सांप उस चिड़िया को खा जाने वाला था और अभी वो चिड़िया मर गई है, वो सांप ने चिड़िया को खा लिया है। अब इस गरुड़ को ये विचार आया कि चिड़िया बच जाए और उस भाव से ही उसने चिड़िया को उठाया, मगर वो बच ही नहीं सकती और उसे वो सांप के द्वारा मरना है, तो उसे उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा और उस जगह पर पहुंचने के लिए उसे निमित्त भी ऐसा ही मिल जाएगा कि वो गरुड़ आएगा, वो गरुड़ भी चिड़िया के लिए नहीं, वो भी यमराज के लिए और यमराज भी खुद के लिए नहीं, वो राजा के लिए। ये सब व्यवस्था जो विश्व की है, इसमें एक समय भी ऐसा नहीं लगता कि अरे ये अयोग्य क्या हो गया। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा, इसलिए ज्ञानी को एक समय के लिए भी जगत में कुछ भी अयोग्य हो रहा है ऐसी मान्यता नहीं है। एक समय की पर्याय का अस्वीकार अनंत केवली का अनादर है और एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व का स्वीकार अनंत केवलियों का आदर है। अनंत केवलियों का आदर एक परमात्म तत्व की अनुभूति, अनंत केवली का आदर हो गया। इसलिए क्योंकि अनंत केवली, अनंत केवली, जैसे ही मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये श्रद्धा होती है, ये श्रद्धा होते ही उसी समय सच्चे देवशास्त्र गुरु की पांच परमेष्ठी की यथार्थ श्रद्धा हुई। उससे पहले श्रद्धा नहीं थी, उससे पहले सुना था, पढ़ा था, विकल्प चल रहे थे। निश्चय प्रकट हुआ कि व्यवहार प्रकट हुआ, मैं परमात्मा हूं ऐसी श्रद्धा हुई कि अनंत सिद्ध परमात्मा की श्रद्धा हुई, अनंत केवलियों की श्रद्धा हुई, अनंत केवलियों की श्रद्धा हुई या अनंत केवलियों का आदर हुआ। अनंत केवलियों का आदर एक समय में, अनंत केवली का आदर। इसलिए कहता हूं कि अनंत सिद्धों के साथ में विराजमान होने से पहले अनंत सिद्ध जिसकी श्रद्धा में विराजमान हो गए, ऐसी ज्ञानी की वह दशा है। पर्याय का स्वीकार होता है किसके बल पर, पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, फिर स्वीकार है। किसी दूसरे के घर में कांच का गिलास फूटा तो स्वीकार है, क्यों, क्योंकि दूसरी, वो दूसरे का ऐसा अंतर में श्रद्धा का जोर कि वहां दूसरा पराया। तो पर्याय का स्वीकार होता है क्योंकि ज्ञानी मानते हैं पर्याय अर्थात पराई, और मैं तो त्रिकाल, पर्याय है वह पराई है और मैं त्रिकाली हूं। इस श्रद्धा के बल पर पर्याय का स्वीकार होता है। जो होता है उसका स्वीकार, जो होता है वह उसका स्वीकार। इसलिए होता है उसका स्वीकार होता है, क्यों, इसी के बल पर, इसी के बल पर कि यहां होता नहीं है, चैतन्य परमात्मा में कुछ होता नहीं है, कि होना तो कार्य है और चैतन्य परमात्मा, ये परमात्मा ऐसा स्वरूप की जिसमें होना नहीं है,
सत्ता कहा, वो ध्रुव की सत्ता का भाव यह है कि वो मात्र है, ऐसा है, ऐसा है, फिर शिकायत नहीं रहती। ये सत्य है कि पर्याय, अनंत पर्याय होती है, मगर उससे मुझे क्या, मैं जहां हूं वहां पर्याय नहीं है। इतनी मूसलाधार बरसात हो रही है, लोग मेरे पास आकर कहते हैं इतनी बरसात हो रही है, आपको पता है कि हाँ यह सत्य है कि बरसात बहुत हो रही है, मगर मैं अपने घर में बैठा हूं। यह सत्य का स्वीकार कि बरसात है, और यह भी स्वीकार कि बरसात जहां मैं हूं वहां नहीं है। तो ज्ञानी की श्रद्धा ऐसी कि अनंत पर्याय है, मगर मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप में पर्याय नहीं है, तो फिर पर्याय का स्वीकार, सहज रूप से स्वीकार। आगे
बाहर की क्रिया करने करने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, मगर ज्ञानी को बाहर की क्रियाएं होती है, ज्ञानी को व्रत तप होते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर रात को सोते हैं तो सोते समय भी वे डॉक्टर डॉक्टर ही कहलाते हैं। यदि कोई आकर के पूछे कि डॉक्टर साहब है कि सो रहे, कौन सो रहा है, कि डॉक्टर साहब सो रहे, तो सोते समय भी डॉक्टर तो डॉक्टर ही है, चलते हैं तो भी डॉक्टर है, डॉक्टर चल रहे हैं, खाते पीते भी डॉक्टर है। तो क्रिया कोई भी हो, क्रिया के कारण वो डॉक्टर है, ये बात छूट नहीं जाती। उसकी श्रद्धा में ये रहता है कि किसी भी क्रिया के काल में मैं डॉक्टर हूं, ये सत्य है। ऐसे ही ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया के काल में मैं चैतन्य हूं, यह श्रद्धा में रहता है। मगर एक बात खास कि डॉक्टर जब सोते हैं तब भी वे डॉक्टर डॉक्टर है, मगर सोते सोते कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। ऐसे ही ज्ञानी कोई भी क्रिया करे, चैतन्य तत्व की जागृति है। ज्ञानी सोते हैं तब भी ज्ञानी ज्ञानी है, मगर सोते सोते कोई ज्ञानी नहीं हो सकते, अर्थात बाहर की क्रिया करते करते ज्ञानी नहीं हो सकते। भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो भोजन ज्ञानी भी करते हैं, मगर भोजन करने की क्रिया के कारण वे ज्ञानी नहीं है। अणुव्रत महाव्रत का पालन करते हैं, मगर उस कारण से वे ज्ञानी नहीं है। यदि अणुव्रत महाव्रत का पालन करने से ज्ञानी होते तो भूतकाल में अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, मगर अज्ञानी क्यों रहा? क्योंकि वो क्रिया तो की, मगर क्रिया के साथ में ये मान्यता कि मैं ज्ञानी हूं, स्वयं को ज्ञानी मानना। ऐसा आज के जमाने में लोग पूछे कि ऐसे कोई व्यक्ति है जो स्वयं को सम्यक दृष्टि मानते हो और सम्यक दृष्टि नहीं हो। हजारों लोगों को मैं मिला हूं जो स्वयं को सम्यक दृष्टि मानते हैं, कि हजारों कि हाँ, क्योंकि मैंने हजारों महाराज साहबों को पढ़ाया, और जिनको मैं पढ़ाता तो वे कहते थे आप कौन, मैं पूछता कि हम तो साधु। अब जो स्वयं को साधु मानते हैं वो तो सम्यक दृष्टि तो मानते ही, क्योंकि साधु का गुणस्थान तो छठा सातवां गुणस्थान। जिन्होंने स्वयं को छठे सातवें वाले माना उन्होंने तो चौथी कक्षा से तो ऊपर मान ही लिया। सीधी सी बात है कि बाहर की क्रिया के कारण सम्यक दर्शन नहीं, मगर बाहर की क्रिया होती है, वो क्रिया जो है वो भीतर से बाहर की ओर आती है, अर्थात परिणति की निर्मलता जब होती है तब ज्ञानी को व्रत तप उपवासशील संयम ये होता है। मगर उस समय ऐसी ये जागृति रहती है, ये रहती है कि मैंने कोई त्याग नहीं किया। ज्ञानी का भी त्याग होता है, वस्त्र का त्याग ज्ञानी करके जंगल में जाते हैं, मगर स्वयं को त्यागी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। जो त्यागी मानते हैं कि मैं त्याग कर दिया, उसने ये माना है कि कभी मैंने ग्रहण किया था, वो चैतन्य का आश्रय नहीं। इसलिए ज्ञानी चैतन्य के आश्रय से स्वयं को त्रिकाल शुद्ध अनुभव करते हैं, और उस अनुभूति के बल पर ऐसी परिणति होने लगती है। जैसे जैसे अनुभूति होती है, शुद्धता में वृद्धि होती है, फिर त्याग नहीं होता। वस्त्र का त्याग, परिवार का त्याग, एक दशा ऐसी आती है कि कौन परिवार, कौन सा वस्त्र, वो ऐसी दशा को उपलब्ध होना, उस दशा का नाम मुनि धर्म है। ऐसा मुनि धर्म होता है। इसलिए बाहर का त्याग होता है, मगर भीतर में अंतर की मस्ती। इसलिए ज्ञानी को मैं त्यागी नहीं कहता, ज्ञानी को तो मैंने भोगी कहा। त्यागी तो अज्ञानी है, जो चैतन्य रस का त्याग करके बैठा है अनादि काल से, और ज्ञानी ने वो भोग, ज्ञानी भोग करने वाले। इसलिए वो कहते ना, पारणा जो किया वो पारणा ज्ञानी, क्योंकि वो चैतन्य रस को चखा। इसके बारे में जो भी आपकी विशेष शंका होगी तो उसका स्पष्टीकरण प्रतीति और परिणति
उसमें भी हो सकेगा। और आस्क कुमराला यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपके जो शंका के शब्द होंगे उसे सर्च करने पर आपको अपने शंका के अनुसार वो जो वीडियो मिलेंगे उन्हें सुनना और सुन करके फिर उनमें जो शंका होती है तो फिर आप आगे पूछ सकते हैं। अभी यहाँ आज का जो ये अंतिम दसवां सत्संग अंतिम शंका आपके लिए अभी ये सुना कि चैतन्य तत्व सब कुछ सुनने को मिलता है मगर आज के इस युग में चैतन्य की पुकार बहुत दुर्लभ हो गई है। और अभी आपने सत्संग के प्रारंभ में ही सुना आदरणीय श्री संदीप जी सिसोदिया आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के शिखर जिन्होंने इन सत्संगों का आयोजन किया आपको मैं एक बात कहूं। सुनने वाले नहीं मिलते हैं, सुनाने वाले मिल जाते हैं। थोड़ा आश्चर्य लगेगा, सुनने वाले नहीं मिलते हैं। बोलने की आदत इतनी है कि बोलना बंद ही नहीं होता। इसलिए जो बच्चों को देखते हो ना, स्कूल में पढ़ने जाते हैं, टीचर कहते हैं चुप बातें मत करो, चुप बातें मत करो, पर स्कूल के बाहर निकलते ही कितना कोलाहल होता है। मौका मिला है बोलने का, अंदर मौका नहीं था बोलने का, अब मौका मिल गया। निगोद में हम थे, बोलने का मौका नहीं था, क्योंकि निगोदिया को वाणी नहीं होती, वचन नहीं होते। निगोद में से बाहर निकलकर बोलने का मौका मिला, इसलिए लोगों को देखते हो पूरे दिन भर कितना बोलते हैं। व्यर्थ का तुम यदि उसको मार्क करो तो तुम्हें पता एहसास होगा, पता चलेगा कि व्यर्थ का ही बोला जा रहा है। बोलना बंद हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। बोलने वाले बहुत मिलते हैं, सुनने वाले नहीं मिलते। और ये बात ये मुझे इसलिए स्मरण में आ रही है क्योंकि मुझे परम कृपालु देव स्मरण में आ रहे हैं। उनके पास उस जमाने में कोई नहीं गया, पहचान नहीं सके। आज जो हजारों लोग कृपालु देव के गुणगान गाते हैं, जीवंत व्यक्ति के पास में बैठना अहंकार को झटका लगता है और पहचान भी नहीं कर पाता अज्ञानी, क्योंकि आंखों पर जो पर्दा है अहंकार का। जब दूर बहुत लंबा काल बीत जाता है तब हम गुणगान गाते हैं। हमने यही सीखा है, व्यक्ति के गुजरने के बाद ही उनके गुणगान गाना। वेद में ऋषभदेव भगवान का वर्णन है, इसलिए कुछ ज्ञानियों ने तो यह स्पष्ट किया है कि वेद जितने पुराने हैं उनसे भी पुराने, बहुत पुराने
ऋषभदेव भगवान हैं। उसका यही कारण है क्योंकि वेद में ऋषभदेव का अत्यंत आदर के साथ में वर्णन किया है, और अत्यंत आदर से वर्णन किया इसी से यह सिद्ध होता है कि वह व्यक्ति बहुत बहुत पहले हुआ होगा, क्योंकि जो नजर के सामने हो उसको आदर हम देना ही नहीं जानते, बहुत पहले हुए होंगे। कबीर जिंदा थे, काशी के लोगों ने बहुत परेशान किया था क्योंकि मिले हुए थे उन्हें नजर के सामने, बहुत सताया था कबीर को, नजदीक थे ना, जान सके, परम कृपालु देव को पहचान न सके। जब मैं गंगा नदी के पास खड़ा था, मैंने देखा लोगों की भीड़ को, जहां मैं देख रहा था गुजरात से लोग, मुंबई से, कन्याकुमारी से गंगा तक पहुंचे हैं, गंगा में स्नान करने के लिए कन्याकुमारी से गंगा तक पहुंचने वाले, मगर गंगा नदी के किनारे पर जो गांव बसा वहां के लोगों को कोई लेना देना नहीं गंगा से, क्योंकि गंगा बहुत निकट है। काश तुम समझ सको, तुम सत्य को समझ सको, नजदीक रह करके तुम उस भाव को समझ सको। सुनने वाले बहुत दुर्लभ है, कृपालु देव को न समझे इतना ही नहीं, वरना ये शास्त्रों की रचना ही नहीं होती, क्योंकि आचार्य गुनगुन देव ये समयसार नहीं लिखते। यदि नजर के सामने कोई सुनने वाला मिल जाए तो फिर लिखने की जरूरत क्या थी। आचार्य गुनगुन की भी यही स्थिति थी, अमृतचंद्र आचार्य की, छठे सातवें गुणस्थान में झुलने वाले संतों की यह स्थिति थी। वे उपदेश ही देना चाहते थे मगर सामने सुनने वाला तो कोई मिले, और इस कलिकाल में दुनिया जिसे कहती है पाप की भूमि, ऐसे दुबई शहर में रंगीन रंगरलिया वाली ऐसी भूमि, अमेरिका की भूमि, ऐसी भूमि पर मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, इसलिए मैं ये कहता हूं मैंने आपको बोध नहीं दिया, ऊंची आवाज में मेरा स्वयं का सत्संग किया है, ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मेरी कोई योग्यता नहीं इस सम्मान के लिए, मैं स्वयं पापी हूं, मैं पाप के बोझ से दबा हूं, मैं मेरे हृदय के अंतर में उस चैतन्य तत्व के साथ में पाप के मैल को भी समाया हुआ हूं, भावना पाता हूं। निकट काल में वह दशा प्रकट हो, दशा प्रकट हो, नग्नता नहीं, वह दशा प्रकट हो कि पता ही न चले कि देह पर वस्त्र है या नहीं है, ऐसी वह दशा प्रकट हो। आज का यह अंतिम सत्संग स्वतंत्रता मुक्ति के लक्ष्य से ही यह सत्संग का शुभारंभ हुआ था, आत्मनिर्भरता, डिपेंडेंट न होना पड़े। जब इस सीरीज की शुरुआत हुई थी तब भी मैंने कहा था 12 जुलाई के दिन दूसरे ही सत्संग में मैंने कहा था, सिंगापुर से मैंने यात्रा शुरू की थी, 12 जुलाई का वो दिन था। आज अंतिम सत्संग भी मैं सिंगापुर से ही समाप्त करता हूं। तुम्हारी स्वतंत्रता का दिन है, आज भी मैंने सिंगापुर को याद किया क्योंकि स्वतंत्रता के कारण आज 9 अगस्त का दिन है, सिंगापुर का इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता का दिन है सिंगापुर का, और आज तुम भी स्वतंत्र हो रहे हो।
ये 10 सेशन के सत्संग के बंधन से मुक्त हो रहे हो। भावना बाता हूं तुम्हारी मुक्ति हो। आपके जैसे बिरले बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वेवलेंथ मिलना बहुत बहुत जरूरी है। मेरे हृदय को समझने वाले इस पृथ्वी पर मैं जिन्हें देखता हूं उनमें एक ये संदीप सिसोदिया है। थोड़े दिन पहले ही वे मुझसे कह रहे थे, जब मेरी उनके साथ चर्चा हो रही थी, 100 लोग सुनते हैं, 142 सुनते हैं, मगर कोई टीवी की सीरियल आती है, कोई शो आता है, कोई नई फिल्म आती है, 1 घंटे में तो मिलियन व्यूअर्स हो जाते हैं। यूट्यूब की चैनल पर देखते हो, वीडियो अपलोड हुआ, पब्लिश हुआ कि हजारों लोग। और उस समय उन्होंने मुझे एक बात खास कही थी, इसमें भीड़ नहीं आएगी, भीड़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये भीड़ का मार्ग ही नहीं है। हमेशा याद रखना, जहां भीड़ होगी वो धर्म का मार्ग न होगा। धर्म का मार्ग वही जहां भीड़ न हो, जहां तो विरले, और विरले भी गिने जा सके ऐसे विरले। वरना 6 महीने और 8 समय में 608 जीवी मोक्ष में क्यों जाते हैं? गिने चुने, क्योंकि वो धर्म का मार्ग है। 6 महीने 8 समय में आज ये अंतिम सत्संग, हे चैतन्य परमात्मा, जब मैं आपको देखता हूं यही भावना पाता हूं। इन चमड़े की आंखों से अब आपको देखना न हो, जब भी मैं किसी भी ज्ञेय को देखता हूं, जानता हूं, उस समय यही भाव अगले समय की पर्याय में ये चमड़े की आंखों से देखना न हो, ऐसी दशा प्रकट हो कि केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित हो। और मैं भावना पाता हूं आप भी मेरी नजर के सामने अब मत आना, केवल ज्ञान में जानने में आना। और केवल ज्ञान में भी जब तुम जानने में आओ, तब अभी जो मेरे सामने बैठे हो उस रूप में नहीं, सिद्ध पद की प्राप्ति हुई है उस रूप में केवल ज्ञान में जानने में आना। और आओगे, यदि तुम न आओगे तो कौन आएगा? मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूं, पधारो पधारो। तुमने मुझे अपने अपने घर पर बुलाया, मैं आया ना, सबके घर पर मैं आ गया ना। जूम पर आया, सबके घर पर मैं जूम पर आया। मेरी भी यही भावना है, ये रुण रहा हर सत्संग में कहता हूं, रुण रहा आपका, आज मैं कहता हूं रुण रहा ये मेरा आपके ऊपर। मैं आपके वहां जूम पर आया हूं, आप मेरे यहां जूम जूम के आना, नाच नाच के आना, मेरे यहां आना, मेरे चैतन्य महल में आना। अर्थात मैं, अर्थात कौन? चैतन्य। तुम अपने ही भीतर गए कि मेरे यहां आ गए, क्योंकि मैं भी तो यही हूं और तुम भी तो वही हो। चैतन्य के अलावा है कहां? जिस समय तुम मेरे पास आए, जिस समय तुम चैतन्य में आए, उस समय ये ऋण उतरेगा, उससे पहले नहीं। रात को नींद ना आए, ये रुण रहा मेरा आप पर। मैं आपके पास जुम पर आया, आप मेरे पास जुम पर आना, जुम जुम के आना। और जब तक जुम जुम के न आ सको,
एक सुविधा आपको दे रहा हूं। पर्युषण महापर्व का शुभारंभ हुआ है, आयोजन हुआ है और आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में बीस दिन के लिए पर्युषण महापर्व का उत्सव मनाया जाएगा। 20 प्रवचन सुबह होंगे, 20 प्रवचन शाम को होंगे। सुबह और शाम को ऐसे कुल मिलाकर 40 प्रवचन होंगे, 20 सेशंस इन द मॉर्निंग, 20 सेशंस इन द इवनिंग। 2020 के इस वर्ष में हम 2020 सत्संग को सुनेंगे। सुबह के समय जो सत्संग का विषय रखा है उनमें 20 शास्त्रों को चुना है, रोज एक शास्त्र का सार लिया जाएगा। जैसे समय सार, गोमट सार, कर्मकांड, रयण सार, आत्मसिद्धि शास्त्र, ऐसे 20 शास्त्र और एक शास्त्र का सार रोज सुबह के सत्संग में होगा। और उस शास्त्र में जो सिद्धांत बताया है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जिस पर फोकस किया गया हो, उस सिद्धांत को शाम को हम समझेंगे। तो 20 शास्त्र और 20 शास्त्र के 20 सिद्धांत, उन सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे, भेद विज्ञान, दीपक ज्योति, निमित्त उपादान, दृष्टि का विषय, निश्चय व्यवहार, ऐसे 20 सिद्धांत पर अपना सत्संग होगा। आप सब अपने अपने घर पर रह करके सुन सकेंगे, मगर आज ही मुझे ये समाचार मिले, आपके लिए खुशखबर है। यदि आप उमराला में आना चाहते हैं, साक्षात प्रवचन सुनना चाहते हैं, तो आप उमराला भी आ सकते हैं, मगर उसके लिए यहाँ कुछ कोरोना की वजह से कुछ नियम है। 6 दिन के लिए आपको एक कमरे में रहना होगा। ये इसलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि 16 तारीख से पहले अभी 6 दिन का समय है, तो 6 दिन तक आपको एक कमरे में रहना होगा और उस कमरे में आपको भोजन पानी वगैरह सब व्यवस्था अपने कमरे में कर दी जाएगी। कमरे में से बाहर निकले बिना आप कमरे में रहकर साधना कर सकेंगे। और फिर 7वें दिन आप बाहर निकल सकते हैं। 6 दिन तक अंदर रहना, 7वें में बाहर आना, क्योंकि ये बाहर की दुनिया है। वास्तव में मुनिराजों के लिए ये होता है, 6ठे में होते हैं तब बाहर रहते हैं और 7वें में होते हैं तब भीतर जाते हैं। आप 6 तक भीतर रहना और 7वें दिन बाहर आना, तो ऐसे उमराला में आप सत्संग को सुन सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 16 तारीख को जो सत्संग, पहला सत्संग होगा 16 अगस्त को, और 20वां सत्संग होगा 4 सितंबर को। तो इसमें सत्संग का समय भी निश्चित हो चुका है, सुबह 8:42, शाम को 8:42। ये दोनों समय भारत के समय अनुसार आप उस सत्संग में जुड़ सकते हैं। और कल के दिन के लिए एक विशेष सत्संग का आयोजन हुआ है, जो सूरत में व्याख्यान माला का जो आयोजन हुआ है उनमें एक सत्संग अपना है। तो कल सुबह 10 बजे का समय है भारत के समय अनुसार, और उस सत्संग की जो लिंक है जूम की, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाएगी। और एक दिन के लिए ही वो उस संस्था की लिंक पर हम जाकर के सत्संग सुनेंगे। और परसों से जितने भी सत्संग होंगे
वो आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला की आस्क उमराला ब्रॉडकास्ट लिस्ट पर जो आपको समाचार मिलते हैं उस लिंक पर ही भविष्य में आप सब सत्संग होंगे। और इसके अलावा आज बहुत ज़्यादा समय पर हमने ये सत्संग कर लिया है, भावना पाता हूँ। अब अपन विराम ले, मैं भी स्वतंत्र होता हूँ, आप भी सब स्वतंत्र हो। और भावना पाता हूँ कि 10 सत्संग में जो हमने सुना है उसी का विचार हो, रात को जब आप सोएंगे तब यही विचार चलता रहे, मैं चैतन्य परमात्मा जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं सोता, त्रिकाल जागृत चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।